हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं माया और हमारी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। फ्रेंड, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। पीस आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े से छोटे या बड़े कर सकते हैं। और इसके लिए हमने एक शिमला मिर्च ली है, जिसको मैंने बीज निकाल कर कट कर लिया है। और एक टमाटर लिया है, इसके भी मैंने बीज निकाल दिए और लंबे पीस में कट कर लिया है। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसको कट कर कर सारी लेयर्स अलग कर ली हैं। दो हरी मिर्ची ली हैं, जिसको मैंने बीज से कट लगा लिया है। अब इसके लिए हम लेंगे 10 लहसुन की कलियां, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसके लिए एक चम्मच हम रेड चिली सॉस लेंगे, एक बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस लेंगे, एक छोटा चम्मच सोया सॉस लेंगे। इसके लिए हम एक चम्मच सेजवान चटनी लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल के डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 30 सेकंड तक ही करना है। अब इसमें जो मैंने प्याज कट करके रखा था वो डाल देंगे। प्याज को भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको भी 30 सेकंड तक ही करेंगे। अब इसमें मैं ये शिमला मिर्च डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, इसको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे, 30 सेकंड तक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है हमें इसमें बिल्कुल भी। अब इसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक फ्रेंड ध्यान से डालिएगा, सारे सॉसेस में भी नमक होता है। अब हम इसमें सेजवान चटनी डाल देंगे, एक चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, एक चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे, एक चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। सारे सॉसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। सोया सॉस थोड़ा सा कम लग रहा है, हम और डाल देंगे इसको डार्क करने के लिए। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच पानी के डालेंगे। फ्रेंड्स, से ये मैंने सॉसेस जितने भी डाले हैं सारे के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम गैस ऑफ करके 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि इसमें जो थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा है ना, वो सोख कर लेगा पनीर। देखिए, चिली पनीर बनकर तैयार है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है, हमारे यहाँ तो महीने में 1-2 बार बन ही जाती है, बहुत ही पसंद आती है सबको। लीजिए, रेसिपी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है, आप भी इसे बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।